नदी में नहाने गई 3 लड़कियां गहरे पानी में चली गई। जिन्हें आसपास के लोगों ने देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र के गांव छत्तापुरा की उटंगन नदी का है, जहां नदी में नहाने गई 3 किशोरियां पानी में डूब गई। किशोरियों को डूबते देख आसपास काम कर रहे लोगों ने देखा तो अफरा तफरी मच गई। साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तैराकों की मदद से फिलहाल 2 किशोरियों को सकुशल बचा लिया, जबकि पुलिस के द्वारा तीसरी लड़की को ढूंढने के लिए रेस्क्यू चलाया गया। कृष्णा, तो क्या घटना हुई आज? यहाँ पर मेरे 2 लड़की थी जी, वो तो मैंने बचा ली। अच्छा, फिर बाद में मैं घर पहुंचा जी तो 2 लड़के और डूब गई जी। फिर मेरी पहले लाई जी, इनको बचाओ जी। तो मैं और मेरे साथ एक लड़का था, वो कूद गए जी। उस लड़के को पकड़ के जी नीचे की तरफ वो फूट गया जी। तो वो लड़का तो पैर के निकल गया जी। तभी एक लड़की यहाँ तक आ गई, पैरती पैरती जी। वो हमने हाथ पकड़ के खींच ली। वो आरती थी, वो उसमें बूढ़ की, इसलिए वो हमको दिखी नहीं, इसलिए वो हमने खींच नहीं पाई। क्या करने आए थे नदी में? नहाने के लिए। हाँ, इस संबंध में हमें तुरंत मालूम पड़ा तो तुरंत हमने संबंधित इंस्पेक्टर हिरानगर को सूचित किया, तो वो लोग सारे मैं फोर्स के साथ यहाँ उपलब्ध हैं और इसके संबंध में मैडम को भी, SDM मैडम को भी अवगत करवाया। उन्होंने एक टीम को भेजा है यहाँ पे, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो अभी इस समय 4:30 बज चुके हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? प्रशासन की तरफ से माननीय इंस्पेक्टर साहब ने पूछा है वहाँ पर और उन्होंने आश्वासन दिया है कि टीम भेजी जा रही है आपके यहाँ आगरा से दुष्यंत उपाध्याय की रिपोर्ट। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांड्रा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी।